मैं सुनील कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, वायु प्रदूषण की। आप सभी को पता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से हम लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है और हम लोगों की उम्र भी घटती जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर मीरा नेहरा ने कहा कि भारत को तुरंत अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। भारत को तुरंत एक्शन लेना चाहिए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, क्योंकि इस देश के कई शहरों में जहरीली हवा का लेवल उससे ज़्यादा है जितना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं, और इसकी वजह से इस देश में रहने वाले लोगों की सेहत के ऊपर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड अदर्स ने कई स्टडीज को कंडक्ट किया है, कई सर्वे उन्होंने किए हैं, कई स्टडीज उन्होंने की है, और उस स्टडीज के नतीजे उन्होंने जर्नल्स में छापे हैं जिसका नाम है द लैंसेट। उस जर्नल्स में उन्होंने कहा है कि इंडिया में प्रीमैच्योर डेथ्स हो रही हैं पॉल्यूशन की वजह से, समय से पहले लोगों की मौत हो रही है वायु प्रदूषण की वजह से, ऐसा इस स्टडी के नतीजे कहते हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में पार्लियामेंट में एक बयान दिया था कि ऐसी इंडियन स्टडी नहीं है, ऐसी कोई भी इंडियन स्टडी नहीं है जो यह दिखाए कि लोगों की जिंदगी घटने में और पॉल्यूशन के बीच में कहीं कोई संबंध है। ऐसा यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर पर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया था। जब इस बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया और पार्लियामेंट में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने यह भी कहा कि इस तरह की कोई स्टडीज नहीं है जो यह दिखाए कि लोगों की घटती हुई जिंदगी और वायु प्रदूषण के बीच में कोई संबंध है और हमें लोगों के बीच में एक डर पैदा नहीं करना चाहिए, ऐसा मंत्री जी ने कहा था। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया मंत्री जी की इस स्पीच के बारे में जो उन्होंने लोकसभा में दी, तो मिस नेहरा जो कि डायरेक्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने कहा कि हमारे पास बेहद मजबूत वैज्ञानिक सबूत हैं जो यह बता रहे हैं कि वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत के ऊपर बेहद गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर एयर पोल्यूशन का लेवल उससे बहुत ज्यादा है जितना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिशें हैं कि वहां तक ही एयर का लेवल हमको रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि हम सरकार से तुरंत यह आग्रह करते हैं कि इस पोल्यूशन में कमी लाएं और इस पोल्यूशन की वजह से जो नुकसान हो रहा है सेहत का नागरिकों का, उसमें कमी लाएं, पर्टिकुलरली उन शहरों में जहां पर वायु प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा है। जो स्टडी की हम बात कर रहे हैं जो द लैंसेट जर्नल में छापी गई है, उस स्टडी के अनुसार इंडिया में 2017 में प्रत्येक 8 मौतों में से एक मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई है, ऐसा द लैंसेट में छापी गई स्टडी कहती है। यह स्टडी बताती है कि 2017 में जितनी भी मौत भारत में हुई है उसमें से 12.4 लाख मौत एयर पोल्यूशन की वजह से हुई है, और यह स्टडी यह भी बताती है कि इंडिया में एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों की आयु औसतन 1.7 साल कम होती जा रही है। यह था वायु प्रदूषण का प्रभाव जो हम लोगों की सेहत के ऊपर गंभीर प्रभाव डाल रहा है, लेकिन हम लोग कब चेतेंगे, कब सुधरेंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 18 को मींस आज ही दिल्ली सरकार को यह डायरेक्शन दी है, सिटी गवर्नमेंट को यह डायरेक्शन दी है कि हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की
प्रार्थना पर वो दोबारा से कंसीडर करें, उस प्रार्थना को दोबारा से कंसीडर करें। भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हरियाणा के ओपी चौटाला ने एक अर्जी लगाई थी कि उनको जेबीटी टीचर्स घोटाले मामले में समय से पहले ही जेल से रिहा कर दिया जाए, अर्ली रिलीज की उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में माननीय जस्टिस मनमोहन और संगीता धीगरा सहगल की बेंच ने सरकार के द्वारा पारित किए गए पहले आदेश को रद्द कर दिया। उस आदेश के द्वारा चौटाला की याचिका को रिजेक्ट कर दिया गया था। चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और 53 दूसरे लोग, जिनमें एक आईएएस ऑफिसर संजीव कुमार भी शामिल है, उनको सन 2000 में जूनियर बेसिक टीचर्स के रिक्रूटमेंट घोटाले में सजा सुनाई गई थी। उन सबको अलग अलग टर्म की सजा दी गई है, उन सबको अलग अलग अवधि की सजा दी गई है। संजीव कुमार जो आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उस याचिका के द्वारा उन्होंने इस घोटाले का पर्दाफाश किया था जनवरी 2013 में। लेकिन उसके बाद जब सीबीआई ने जांच पड़ताल की तो संजीव कुमार को भी इस केस में, इस घोटाले में दोषी पाया गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और भूतपूर्व आईएएस ऑफिसर को 10 साल की सजा इस केस में दी गई है और इनके अलावा बाकी कुछ लोगों को, जिसमें 55 लोग शामिल हैं, उन लोगों को 4 साल की सजा इस केस में दी गई। बात करें सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में एक अपराधी के द्वारा दायर की गई रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। कोर्ट ने अक्षय सिंह के द्वारा दायर की गई रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया और उन्होंने अक्षय सिंह की इस प्रार्थना को भी डिसमिस कर दिया कि उसे 3 सप्ताह का समय दिया जाए दया याचिका को लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति के सामने। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केवल 1 सप्ताह का समय दिया जाता है दया याचिका को फाइल करने के लिए, दया याचिका को लगाने के लिए, इसलिए 3 सप्ताह का समय ना दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि वो इस संबंध में कुछ भी नहीं कहेंगे। कोर्ट ने कहा कि कन्विक्ट का यह अधिकार है उस समय को इस्तेमाल करने का जो समय कोर्ट, जो समय कानून के द्वारा दिया जाता है दया याचिका को दायर करने के लिए। तो जितना भी समय कानून के हिसाब से दया याचिका को दायर करने के लिए होता है उतने समय का वो लाभ ले सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे कि कितना समय दिया जाए। 3 जजेस की रिव्यू बेंच ने, जिसकी प्रधानता जस्टिस आर भानुमति कर रहे थे, इस बेंच ने कहा कि रिव्यू पिटीशन का मतलब यह नहीं है कि अपील में जो बहस हुई थी उसी बहस को हम बार बार सुनते रहे। 1 बजे दोपहर को जस्टिस भानुमति, जिनके साथ जस्टिस अशोक भूषण और एएस बोपन्ना थे, इस बेंच ने जजमेंट के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए और यह जजमेंट ओरल आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, रिव्यू पिटीशन में ओरल आर्ग्यूमेंट सुनने के कुछ ही घंटों के बाद यह जजमेंट, यह फैसला सुना दिया गया। इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह ने कहा, अक्षय के वकील एपी सिंह ने कहा कि फांसी की सजा केवल क्रिमिनल्स को जान से मारती है, अपराध को जान से नहीं मारती है। और उन्होंने, वकील साहब ने नलिनी और दूसरे लोगों का हवाला दिया जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के केस में अपराधी है, यह कहते हुए कि उन लोगों को फांसी की सजा नहीं दी गई। मिस्टर सिंह ने आगे बहस करते हुए कहा कि किसी भी देश को लोगों को केवल इस वजह से फांसी पे नहीं चढ़ा देना चाहिए कि वह देश यह साबित करना चाहता है कि वह आतंकवाद पर हमला कर रहा है या औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के ऊपर हमला कर रहा है,
यह किसी भी देश का कर्तव्य है कि वह लगातार रिफॉर्म्स की कोशिश करे, सुधार की कोशिश करे, ताकि समाज में एक बदलाव आ सके। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश होते हुए यह दलील दी कि मौत की सजा भारत में एक कानून है और जब तक यह सजा कानून की किताबों में लिखी हुई है तब तक इस सजा को दिया जाना ही होता है। तुषार मेहता ने आगे कहा कि कुछ इस तरह के अपराध होते हैं जिनसे इंसानियत शर्मसार हो जाती है, कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जब खुद भगवान भी चीख पड़ते हैं कि इस लड़की को बचाया नहीं जा सकता है, कुछ ऐसे अपराध होते हैं जहां पर दैत्य पैदा होते हैं, तो यह उसी तरह का केस है और इस केस में दया की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा कहकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी आर्ग्यूमेंट अपनी बहस समाप्त की। अक्षय जिसकी उम्र 33 साल है उनके साथ मुकेश 30 साल, पवन गुप्ता 23 साल और विनय शर्मा 24 साल, इन लोगों ने मिलकर दिसंबर 16, 2012 की रात को एक चलती हुई बस में 23 साल की पैरामेडिकल विद्यार्थी के साथ गैंग रेप किया जिसकी कुछ दिनों के बाद ही चोट की वजह से मृत्यु हो गई। पूरा देश उस वक्त सदमे में था और एंटी रेप लॉस को उसके बाद ही सख्त बनाया गया, बलात्कार विरोधी कानून को उसके बाद ही सख्त बनाया गया। पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश गुप्ता और शर्मा के द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिकाओं को डिसमिस कर दिया था। अब उनके पास केवल एक रेमेडी बची है, वह है क्यूरेटिव पिटीशंस जो कि बेहद दुर्लभ अवस्थाओं में ही फाइल की जाती है। अक्षय ने हालांकि उन लोगों को उस वक्त ज्वाइन नहीं किया था पुनर्विचार याचिका को दायर करने के लिए, उसने अपने इस विकल्प को इस समय इस्तेमाल किया जब जेल प्रशासन उन लोगों को फांसी देने की तैयारी कर रहा था। इसी केस में एक दूसरा अपराधी राम सिंह, ऐसा बताया जाता है कि उसने जेल में आत्महत्या कर ली थी, और एक और अपराधी जुवेनाइल, उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा सजा दी गई थी और उसको 3 साल की सजा पूरी होने के बाद रिहा कर दिया गया था। बात करते हैं अभी आगे सुप्रीम कोर्ट की ही। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री बोबड़े ने इनकार कर दिया है कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर कोई रोक लगाएंगे फिलहाल। फिलहाल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर किसी भी तरह का स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इनकार कर दिया है। इस बेंच की प्रधानता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री बोबड़े कर रहे थे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर यह प्रावधान है कि वे गैर मुस्लिम जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, वहां पर धार्मिक परसिक्यूशन को फेस करने के बाद उन लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा इस अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट के अंदर प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करने के बाद 22 जनवरी इस केस में अगली तारीख तय कर दी है। बात करें दिल्ली हाई कोर्ट की, तो दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को तैयार हो गए हैं एक जनहित याचिका को सुनने के लिए। यह जनहित याचिका दायर की गई है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हिंसा की जांच करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की स्थापना के लिए। इस याचिका के द्वारा यह मांग की गई है कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जो कथित रूप से हिंसा हुई है और कथित रूप से जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसकी जांच करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी जाए, यह मांग करते हुए यह जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका को मेंशन किया गया चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस रेखा पल्लई की बेंच के सामने एडवोकेट रिजवान के द्वारा, और कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया बृहस्पतिवार के लिए। कोर्ट ने कहा कि इस जनहित याचिका के ऊपर बृहस्पतिवार को सुनवाई की जाएगी।
इस याचिका में यह मांग की गई है कि पुलिस के द्वारा जो एक्शन लिया गया और पुलिस के द्वारा जो कथित रूप से ऐसा बताया जाता है कि विद्यार्थियों के ऊपर गोली चलाई गई, उसके जुडिशियल इंक्वायरी उसकी की जाए। इस जनहित याचिका के द्वारा यह भी मांग की गई है कि घायल स्टूडेंट्स को कॉम्पनसेशन दिया जाए और घायल स्टूडेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाए। बात करते हैं सीलमपुर में जो कल हिंसा हुई उसके बारे में। सीलमपुर में कल जो दिल्ली के सीलमपुर में कल जो हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। आज दिसंबर 18 को इस घटना के बाद 2 FIR दर्ज की गई है। एक FIR सीलमपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, दूसरी FIR जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। कुल मिलाकर 21 लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं, जिसमें से 15 सिक्योरिटी पर्सनल है, 15 सुरक्षा कर्मी है और बाकी लोग आम पब्लिक है। पुलिस ने बताया कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है ताकि कानून और व्यवस्था बनी रह सके। पुलिस ने आज इस एरिया में पेट्रोलिंग भी की, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को बनाया जा सके। अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि विपक्ष हिंसा फैला रहा है राष्ट्रीय राजधानी में, क्योंकि विपक्ष डर गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष की हार निश्चित है, इस वजह से विपक्ष अब हिंसा फैलाने पर उतर आया है। दिल्ली में हिंसा और आगजनी की घटना को हवाला देते हुए श्री केजरीवाल ने कहा प्रेस को संबोधित करते हुए कि लोगों को यह समझना चाहिए कि इन दंगों के पीछे कौन है और उन लोगों को एक सबक सिखाना चाहिए इस बार भी, जैसा सबक उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनावों में सिखाया था। दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला कर रही है और इसके नेताओं के ऊपर हमला कर रही है, यह कहते हुए कि जामिया मिलिया इस्लामिया और सीलमपुर के दंगे और आगजनी में आम आदमी पार्टी के लोग का कुछ ना कुछ हाथ है और दिल्ली बीजेपी आरोप लगा रही है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और MLA अमानतुल्ला खान के ऊपर कि वे लोगों को भड़का रहे हैं। श्री केजरीवाल ने आगे कहा कि ऐसी अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी 65 से लेकर 70 सीट जीत सकती है और जब अब यह साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव जीतने जा रही है एक बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ, तो विपक्ष जानबूझकर हिंसा फैला रहा है इस चीज से डर कर कि अब उनकी एक बहुत बड़ी हार होने वाली है। मिस्टर केजरीवाल ने आगे कहा कि मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस देश में दंगा फैलाने की ताकत किन के पास है। चीफ मिनिस्टर ने आगे कहा कि सभी लोग जानते हैं कि कौन हिंसा फैला रहा है, कौन आगजनी फैला रहा है और यह पूरी तरह से प्रत्यक्ष है कि आम आदमी पार्टी को इस हिंसा से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इस हिंसा से पार्टी का नुकसान होगा। ऑपोजिशन को उम्मीद है, विपक्ष को उम्मीद है कि इस हिंसा से उन्हें फायदा होगा। असेंबली के चुनावों से पहले जो असेंबली के चुनाव अगले साल होने वाले हैं, अगले साल जनवरी या फरवरी में विधानसभा के चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, उससे पहले दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में एक शब्दों का युद्ध छिड़ गया है, एक दूसरे पर शब्दों के बाण उन्होंने चलाने शुरू कर दिए हैं और ब्लेम गेम में वो आपस में उलझ गए हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया, मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान भी दिल्ली के बवाना और त्रिलोकपुरी में हिंसा फैलाने के प्रयास किए गए थे और उसी तरह की एक्टिविटीज इस बार भी जारी है, उसी तरह की क्रियाकलाप इस बार भी जारी है दिल्ली में शांति और व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि हर हालत में दिल्ली में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए,
प्रत्येक दिन इस तरह के बयान आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि आम आदमी पार्टी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों करेगी, आम आदमी पार्टी को ऐसा करने से क्या फायदा होगा। पूरा देश जानता है कि दंगे कराने में कौन समर्थ है, मिस्टर केजरीवाल ने आगे कहा। मिस्टर केजरीवाल ने आगे कहा कि विरोध करना हर किसी व्यक्ति का एक अधिकार है, लेकिन संविधान की सीमाएं नहीं लांघी जानी चाहिए और आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किसी को भी यह इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वह हिंसा का सहारा ले। आप लोगों से विदा लेता हूं, आपका अपना सुनील कुमार।